राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र इस वीडियो के माध्यम से अधिकारी वशीकरण, मालिक वशीकरण या किसी ऐसे व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं जो ऊंचे पद पर हो और आपको अपना काम निकालना है, यदि अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपके बॉस आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या कोई ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति आपके खिलाफ जा रहा है, तो वहां इसका प्रयोग करना है। ध्यान दें, यह प्रयोग उन लोगों के लिए है, उन युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिकाओं के लिए है जिनके अधिकारी वर्ग बॉस वर्ग या जो उनसे ऊपर के लोग हैं, जो उनके स्वामी हैं मालिक हैं, वह उनसे घृणा के निगाह को देखते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं। या यदि आप किसी किराए के मकान में रहते हैं या रहती हैं और आपका मालिक जो मकान का मालिक है वह चाह रहा है कि आप मकान खाली कर दें या उसका आपका ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आप यह चाहते हैं या चाहती हैं कि उससे आपका सब कुछ ठीक ठाक चले, वह आपको परेशान न करे, तो वहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा सरल सा प्रयोग है, इसको आजमा करके देखिएगा कि आपके बॉस आपके अधिकारी आपके बस में हो जाएंगे और उनसे आप अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हैं या करवा सकती हैं। कभी भी मेरे द्वारा बताए गए यंत्रों का दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने के नियत से, चीट करने के नियत से, धोखा देने के नियत से या हानि पहुंचाने के नियत से इसका कदापि दुरुपयोग ना करें। मगर यदि आप सही हैं, नैतिक दृष्टिकोण से अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं या कर रही हैं और अगला जो आपका अधिकारी है बास है या मालिक है आपकी नहीं सुन रहा है, तो वहाँ इसका सदुपयोग करके अपने रोजमर्रा के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आप बच सकते हैं या बच सकती हैं। इसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें सिंदूर है, तिल का तेल है और भोजपत्र है। इन तीनों को आपको इकट्ठा करना है। किसी एकांत कमरे का आपको चयन करना है जहाँ कोई शोरगुल ना हो, न शोरगुल होने की संभावना हो। बैठने के लिए किसी आसन का प्रयोग करना है जो ऊर्जा का कुचालक हो, कुश का बना आसन या कंबल का बना आसन या ऊन का बना आसन, जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप रख लें, उस पर बैठ जाएं, अपना मुख उत्तर या पूर्व कर लें, अपने इष्ट काव को स्मरण करना, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मैं यहाँ जो यंत्र दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखे, सुने और समझे। यंत्र इस प्रकार से है, आपको चार लाइन ऊपर और चार लाइन नीचे लिखना है। आपको कुल खाने बना लेने हैं, 16 खाने बन रहे हैं, जैसे है वैसे आप लिखते जाइए। सिंदूर को क्या करना है, तिल के तेल में घोलना है और फिर भोज पत्र पर आपको लिखना है। किसी कलम का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो ले लीजिए कनार की कलम और लिख दीजिए क्या क्या लिखना है। हिंदी में आपको लिखना है 1442 पहले कॉलम में, फिर आपको लिखना है 4 बार 4 लिखना है, फिर आपको 2 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर नीचे 6, फिर 3, फिर आपको लिखना है 4446, फिर आपको लिखना है 4449, फिर नीचे है 4442, फिर 4 चार बार 4 लिखना है, फिर आपको लिखना है 48, फिर 1, फिर नीचे लिखना है 4, फिर 9, फिर 4 बार 4, फिर 4 बार 4 और फिर 7 लिखना है। सब कुछ आपको हिंदी में लिखना है। जब यंत्र को आप लिख लें तो इसको धूप आदि देख करके अपने भगवान का नाम लेते हुए इसको सिद्ध कर लें। तत्पश्चात अपने गले में धारण कर लें या पास में रख लें। अधिकारी के बॉस के सामने या मकान मालिक के या मालिक के सामने जाते ही वो आपके मजबूत हो जाएगा या हो जाएगी। यह प्रयोग युवक युवती स्त्री पुरुष सभी के लिए कोई भी इसे कर सकता है। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में
इस तरह की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने को सकता नहीं। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन कर दे सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।